वाह, वंडरफुल, एक्सलेंट। साहब का गोवा घूमने का मूड हुआ है। लो, शुरू हो गए। I knew it। बेकार बैठे-बैठे थक गया होगा बेचारा। वो कोई आम लड़का नहीं है माय डियर रामेश्वर, और ना ही वो 9 से 5 तक की जॉब कर सकता है। कभी तुमने उसके बायोडेटा पर गौर किया है? बीएससी में 3 बार फेल हुआ है। He is a great puppeteer। वो पपेट की जुबान से सारी दुनिया को जीने की राह दिखाता है। हो गया? ग्रेट पपेटियर? या हाँ, कठपुतली नचाता फिरता है, ये क्यों नहीं कहती? माँ, काम की बात करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। माय डियर रामू, बात का बतंगड़ मत बनाओ ना। आज के दौर में 25,000 में होता ही क्या है, है ना? लो रामेश्वर, दूध पियो। Have you gone mad? मैं उसे 25 रुपया नहीं देने वाला। Mind it। अरे, इसका मतलब भैया को पैसे नहीं मिलने वाले। It's clear। Sorry पापा, मैंने आपके अलमारी से 25,000 रुपए निकाल लिए हैं। See you soon। And हाँ, I love you। पकड़। गोचू, और हाँ, आपके फेवरेट ड्राइवर जग्गी को साथ ले जा रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू मैनेज फॉर ए फ्यू डेज। और पता नहीं लौटने के बाद मेरा क्या होगा। तेरा क्या होना है? पापा के पास तेरा कोई ऑप्शन नहीं है बेटे, पर तेरे पास बहुत से ऑप्शन है। नौकरी के? बी ए मैन। मुंह मत बुला भाई जी। चल आप भी भाई जी। Again, with the cocaine, my own, I make no friend. Again, I burn ganja all over me, a pen. क्या हुआ भाई जी? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप कैसे जाएंगे? पैदल। आप एमएक पे ऐसे भागते नहीं तो मैं परसों सर्विसिंग करके ले लेता ना भाई जी। आप भी ना। तो मैंने मना किया था। चलो उतरो। दीवाने हैं दीवानगी की कसम। जो भी करे वो कम ही है माँ कसम। लाइफ को जीना है ऐश मार के जी, पाप की जेब से चाहे कैश मार के ही। तेरी मेरी मेरी तेरी है ये बात। दिल करने को उछले यारो खुराफा, दिल करने को उछले यारो खुराफात। तेरी मेरी मेरी तेरी खुराफात, दिल करने को उछले यारो खुराफात। कहने
रहने दे। उनको पता है क्या पागलपन का नशा, वो क्या जाने आवारापन का मजा। उनको पता है क्या पागलपन का नशा, वो क्या जाने आवारापन का मजा। टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी है ये बात, दिल करने को उछले यारो खुराफा। दिल करने को करने को दिल दिल करने को उछले यारो खुराफा। तीखी तीखी कड़वी मीठी खुराफात। किसी महान आदमी ने कहा है, लिव लाइफ किंग साइज, जिंदगी जियो तो बड़े जियो, ऐश करो, समझे भाई जी। और ये महान आदमी है कौन? मतलब अपने श्रीमान आईवी। थक गए आईवी आते आते, सो जाते हैं। अपना रैन बसेरा। हाँ आईवी कुछ खाएगा पिएगा क्या? अरे मंगा तो रहा हूँ, क्या खाओगे भाई? Feel the sand beneath my feet and the wind in my hair. Feeling good, feeling fine. Feeling good, feeling fine. Impatient, we bake, we're having a good time. I'm getting filmy, yaar. Oops. Sorry. I love it too. Excuse me? So, so sorry. Thank you.
कितनी अच्छी बात है ना हम लोग एक ही होटल में। तुम विवेक, लोग मुझे आईवी कहते हैं, तुम भी बोल सकती है आईवी। लिसन, तुमने अपना नाम नहीं बताया। नहीं तो अब बता दो। इज दैट सो इम्पोर्टेंट? हाँ। नो, बाय। You're the angel in my dreams, I see, I wanna be with you forever and ever. You're the angel that I need, who makes me so complete, don't wanna be without you never. Beauty and grace, grace. Visions of your smiling face, dazzling up my nights and days. Ek pari pagal si, aur kuch nadaan si. परदेश से आई मेहमान सी, बारिश में भीगती, बारिश में भीगती, बारिश में भीगती, सबसे अलग सबसे जुदा अनजान सी। एक परी पागल सी, के उतारा मौसम भी डोल रहा था। A little something, a little sweet something, I felt you saying in my heart today. महुए का पी के उतारा मौसम भी डोल रहा था, आके कानों में उसके कुछ तो भी बोल रहा था। लग के सीने से मिल रहे थे ऐसे, जैसे बरसों की पुरानी पहचान थी। एक परी पागल सी, हर कुछ नादान सी, दूर परदेश से मेहमान सी, बारिश में भीगती, बारिश में भीगती, बारिश में भीगती, सबसे अलग सबसे जुदा अनजान सी। तुमने मुझे कभी अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाया, पर मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? ये कौन है? ये आईवी है। आईवी? मैं विवेक। हाँ। ये भी विवेक। ओह। एक्चुअली जो मैं कह नहीं पाता ना, वो ये कहता है। क्यूट। क्या? एक्चुअली से तुम्हें कुछ कहना है। हाँ हाँ। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन सिर्फ आपसे। ओके, हाउ स्वीट। ओके बाय आईवी। इतनी जल्दी चली गई?
और तेरे से दोस्ती करी। पर मुझसे भी दोस्ती करेगी। चीयर्स। वैसे चीयर्स से मुझे याद आया कि लोग शराब पीने से पहले चीयर्स क्यों कहते हैं बताओ। बोलो भाई, ये तो याद ही आता है। इसलिए कि ये जो शराब जो है ना, इसमें अपने आंखों के लिए रंग है, है, नाक के लिए महक है, वो भी है, जीभ के लिए स्वाद है, वो भी है, मन के लिए तसल्ली है, वाह, और दिमाग के लिए नशा है। वाह वाह, क्या कह दिया। लेकिन इन सब में अपने कानों के लिए क्या है? क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए इसलिए लोग शराब पीने से पहले अपना ग्लास टकरा कर चीयर्स बोलते हैं। और ये भी देखो, चीयर्स कर रहे हैं। ओए भाई जी, लो गया वहाँ पे। भाई जी, क्या अकेले यहाँ खोए हुए हो? लगता है छोरी मन को भाग गई है। पता नहीं यार, मुझे क्या हो रहा है आई डोंट नो, पर मुझे पोइट्री जैसे बोरिंग काम करने का बड़ा दिल कर रहा है आजकल। मतलब इस मोटे को कलर्स पसंद है ना? आजकल मुझे रंगों से प्यार हो रहा है। अच्छा, और तेरे वो हिंदी गाने क्या हुआ आजकल सुनने का दिल कर रहा है। इससे तो एक ही बात साफ होती है कि बेटा तेरी तो लग गई। प्यार से क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। तुम, I was expecting you. That's great. वापस आ रही हो क्या? हाँ, see you sometime. एक मिनट, एक मिनट. हम फिर मिल रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता हम कभी मिलेंगे. Please, please, एक मिनट. मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए. या श्रुति, come, come fast. We are getting late. वरना हमारी स्टोरी यहीं गोवा में खत्म हो जाएगी. छोड़ो ना उनको. Give me your number. Are you mad? Yes, I am mad. Vivek, मेरा हाथ छोड़ो. नहीं तो? Otherwise I'll slap. बाहर करो, फ्लाइट छूट जाएगी तो पता चलेगा. एक लड़की हो बहुपरी थी, शायद उतरी थी आसमां से अभी अभी। कौन लड़की? लगता है इससे प्यार हो गया है। पहली बारिश की सोंधी सी खुशबू को ब्रांडेड परफ्यूम की तरह इस्तेमाल करते पहली बार देखा। अच्छा, बारिश की बूंदे, परी, परफ्यूम, मैं तो खुशबू में भीगने भी लगा। कहीं वो मोना डार्लिंग तो नहीं थी? दादी, हाँ, ये कैसा लगेगा? अरे ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी लगेगी मेरी गुड़िया रानी। ओह थैंक यू दादी। अच्छा दादी, हाँ, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। हाँ सच्ची? तब भी लव मैरिज होती थी। सुप्रिया, हाँ, जरा तुम्हारा फोन देना। क्या हुआ? अरे मुझे विवेक को फोन करना है और इसका अचानक नेटवर्क ही चला गया है। दे दो। ये लो माँ। थैंक यू। कैसे हुआ था प्यार दादी? हाँ माँ। विवेक बेटा, कहाँ हो तुम? घर में बहन की शादी का कितना काम पड़ा है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ मैं वो पपेट शो कर रहा था। ओफ, वो
तुम और तुम्हारे वो पपेट्स। नाउ लिसन, देखो पापा की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी है और वो जो मेडिसिन बताएंगे वो लेकर आना है, ठीक है? एड्रेस लिख लो। लिखता हूँ माँ। You want to lift? Yeah, come. तुम्हें क्या लगा तुम इतने हैंडसम हो कि कोई भी लड़की तुम्हें देख के लिफ्ट दे देगी? I can't believe it. मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना नहीं, रियलिटी है। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। डॉक्टर से मिलने चले? मींस तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ चलो। Yes! वैसे तुम पछताई तो बहुत होगी, तुमने अपना नंबर नहीं दिया था मुझको ना। यू मिस मी ना, मिस मी ना। शट अप, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर रहा करो। तो तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? डॉक साहब क्या? यू विल बी सरप्राइज्ड, ये मेरे पापा का क्लिनिक है। रियली? नहीं नहीं, झूठ? सच्ची में? सच्ची। Shall we? तुम्हारे पापा की रिपोर्ट्स ठीक है ना सर? इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ थोड़ी वीकनेस है, और हाँ मैं कुछ पिल्स लिख के दे रहा हूं, वक्त पे देते रहना। यस सर। He'll be perfectly all right. इसे तो मैं पटा लूंगा जी। यू कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू सर। वेलकम। एक मिनट। यस सर। मतलब सोचते बहुत ज्यादा हो लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं कहता हूं वैसे करना, आज से मतलब अभी से या बेबी स्टेप्स चला करो। बेबी स्टेप? बेबी स्टेप्स, स्लोली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी बेबी। चलो 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 ट्राई करो। यस सर। लाइक दिस सर? हाँ लाइक दिस। Like that, but बाहर जाने का रास्ता उधर है, उस तरफ। Sorry sir. Yes, baby, 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 baby. Oh, bye. Bye. Bye, sir. Bye. तुम जानती हो इसे? नहीं पापा, ठीक से नहीं जानती। दो साल पहले मिले थे और फिर से आज अचानक मिल गया। Baby step, baby step, baby step. Baby step, baby step, baby step. Keep a button there, formula set. Baby step, baby step. ये क्या कर रहे हो? Baby step ना, अंकल ने बोला था confidence के लिए, वही कर रहा हूँ। लेकिन अब तक गए क्यों नहीं? Actually मुझे तुमसे कुछ कहना था, और बिना कहे ऐसे जा नहीं सकता था ना। कह दूँ? हाँ। सच्ची? हाँ। मुच्ची? हाँ। Thank you for live.
कौन था वो लड़का और तू उसके साथ क्या बात कर रही थी? वो लड़का है ना मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं ना उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस यार। माँ ये शेव क्यों नहीं करता, गुंडे जैसा लगता है। ए तू बात मत बदल, हुआ था क्या? ओहो कौन लड़का और किस बात पे लड़ रहे हो तुम दोनों? बतोश बात क्या है बेटा? मैं बताती हूँ, एक लड़का पापा से मिलना चाहता था, मैंने उसे मिला दिया, बस इसने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। बहन पे इतना शक करते हो, पता नहीं तुम्हारी बीवी का क्या होगा। मेरी बीवी की चिंता तू मत कर, मम्मी इसकी शादी करवाओ ना जल्दी। ले तू जूस पी। क्या कर रहा हूं? फाइनली मिल गए हम है राही प्यार के, हम किसी के हो लिए। अरे क्या कर रहा है? हम किसी के हो लिए, हम है राही प्यार के। पागल हो गया है बिल्कुल। किसी के हो लिए, हम है राही प्यार के, हम किसी के हो लिए। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? हम है राही प्यार के, हम पापा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर से मिला था, दवाएं आराम। आराम आराम कैसे? सुप्रिया की शादी है, 8 दिन बचे हैं और इतना सारा काम है और अब ये। डोंट वरी पापा, मैं मैनेज करूंगा। अच्छा डोंट वरी मैनेज। भैया भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, चलो चलो। जस्ट अ मिनट, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। मैं फ्रेश होके आऊं? ओके। चश्मे से जब भी देखते हो ना गुस्से में लगते हो। Well, you met her again, यार। इसे कहते हैं लक। Now do one thing, चट मंगनी और पट ब्याह कर लो। वैसे भी मेरी शादी होने के बाद तुम लोग अकेले ही पढ़ने वाले हो। वो सब तो ठीक है, पर मैं उससे कहूँ क्या? कैसे प्रपोज करूँ? तू ही बता आइडिया सिंह। भाई जी छोरी को एक बढ़िया सा लव लेटर लिख दीजिए कि आप कौन से आई लव यू है करके, छोरी दिल निकाल कर रख देगी, समझ रहे ना? नहीं समझे? नहीं नहीं वो सब पुराना हो गया। डू वन थिंग, उसे मेरी शादी पे बुलाते हैं, अगर वो आ गई तो। पर वो आएगी ना? आएगी भाई जी आएगी, क्यों नहीं आएगी? हाँ। और नहीं आई तो हम उठा कर लाएंगे, मतलब शादी में बुलाने में क्या हर्ज है? पकड़ भाई, यही लग रहा है? यही तो है भाई जी। तो बजा दे घंटी। बिल्कुल। हाय। तुम जेंगल? तुम्हारे पिताजी हैं? हैं। नहीं नहीं मतलब ठीक है ना? नहीं बिल्कुल ठीक है अंकल। तो फिर क्यों आए हो? वो अंकल वो शादी का कार्ड आपके लिए। कार्ड और मिठाई? जी 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 जी। मिठाई? वो मेरी छोटी बहन की शादी है 3 दिन बाद। अच्छा। तो आप जरूर आएगा शादी में? नहीं 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 आना पड़ेगा आपको साहब जी। नहीं अंकल, पापा बहुत खुश होंगे आपको देख के। प्लीज चलो देखेंगे जी। थैंक यू अंकल। ओके अंकल। एक्सक्यूज मी अंकल, वो पापा ने एक बात और बोली थी। वो क्या? आप शादी में विद फैमिली आइएगा। साहब जी कार्ड पे लिखा भी है विद फैमिली, नो गिफ्ट्स भी। जरूर आएंगे, आएंगे। जी अंकल, जी अंकल, थैंक यू। वो अंकल वो बेबी स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल। मैं डेली करता हूँ। वेरी गुड, दिखाइए। नहीं ये वाले ना। वेरी गुड जी अंकल, थैंक यू। आएगी भाई? आएगी भाई जी। ओ, कितना काम पड़ा है। ये मिठाई वाला भी कहाँ मर गया, जग्गी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, किसको बताऊं? अरे
विवेक, गोवा तो हो गया, कश्मीर चलते हैं। चलते हैं आईवी, मस्ती करेंगे। हाँ। विवेक देखो ना, वो मिठाई वाला अभी तक नहीं आया, और ये जग्गी भी ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। जा बेटा, जरा पता कर ले, जा जा जल्दी जा। देखता हूँ। अरे ऐसे क्या कर रहा है, इसकी बहन की शादी है। और शे, और देखो ना फूल वाला भी मैं, नहीं। मैं नहीं, मैं नहीं। हाय हाय बेटा, हाउ आर यू? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये वही फनी लड़का है जिसके बारे में मैंने बात की थी। हाँ तो सब कैसे आ गए? हाँ अंकल, सब आ गए। तैयारियाँ ठीक से हो रही है ना? हाँ सब तैयार अंकल है। हाँ हाँ, और खाने में क्या है? सभी पूछोगे या अंदर भी चलोगे? वो बेबी स्टेप्स। हाँ अंकल करियो ना। हाँ यस अंकल। देखा चले? हाँ चलो बेबी स्टेप चलो अंकल। नहीं अभी तो पूरा चलता हूँ। एक ही तो बहन है मेरी, शादी के सारे कामों को मैंने खुद कराया। अच्छा? हाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ अंकल। वेरी गुड। Hey, डॉक्टर साहब, आप, what a pleasant surprise. Surprise? पापा, अंदर चले। विवेक, अरे तुम वापस आ गए? शी, इतने से छोटी सी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं होती तुमसे। अरे वो मिठाई वाला कहाँ है? और वो देखो मिठाई पो। डॉक्टर साहब, माय वाइफ शारदा, शारदा डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए प्लीज, आइए ना, आइए आइए। कांग्रेचुलेशंस, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। थैंक यू। देख रही है। तुम्हारा भाई थोड़ा सा पागल नहीं है? थोड़ा थोड़ा। अरे छोड़ो ना यार। अरे अरे कभी कभी तुम मुझे बहुत ही अजीब लगते हो, और सच कहूं तो कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ही डर लगता है।
अरे हाँ बताओ, मुझसे क्या जरूरी काम की बातें करनी थी? भाई जी सर, फिर कभी करते हैं अंकल, फिर कभी करेंगे, चल चल भाई, फिर कभी करते हैं। ये तो शर्मा रहे जी, बेवजह, इनसे नहीं होगी बात, मैं ही बात कर देता हूं। दरअसल छोरा छोरी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। छोरा छोरा और छोरी आपकी श्रुति, नहीं समझे? तो श्रुति घर में सबको पसंद भी हैं जी, समझ रहे ना? अंकल मैं भी ये कहना चाह रहा था। क्या? यही कि मम्मी पापा के बिजनेस से पहले मैं आपसे बात कर लूं। हाँ। तो बात पक्की अंकल जी, हैं मैं पापा को भेजता हूँ। चल भाई जल्दी भैया। एक मिनट, तुम थोड़े से क्रैक हो वो तो मैं जानता ही था, लेकिन आधे पागल हो वो अभी पता चला। किसने कहा तुमसे कि मेरी बेटी श्रुति तुमसे प्यार करती है? पर अंकल, वेट, पहले तो ये सपने देखना बंद करो, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। और शायद तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन श्रुति इज ऑलरेडी एंगेज। नहीं अंकल, आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, फनी हूं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं अंकल वैसा बनके दिखाऊंगा, मैं दिखा सकता हूं जैसा आपको श्रुति के लिए लड़का चाहिए। मैंने वो बेबी स्टेप भी चलना सीख लिया, प्लीज अंकल। वेट वेट, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, श्रुति सच में एंगेज्ड है, अगले महीने तो उसकी शादी हो रही है, लड़का यूएसए आ रहा है, एंड एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, ट्रस्ट मी। और अब तो श्रुति चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी और के साथ गलत होगा। मैं खुश रहना चाहता हूं, बस दैट्स इट। इतने अच्छे तो मेरे पेरेंट्स हैं, जो चाहा वो दिया, जान देने वाले दोस्त, और तू, तुझे क्या हुआ? भाई मैंने आपको हमेशा खुश देखा, लेकिन इस तरीके से दुखी मैंने कभी नहीं देखा। हे कम ऑन यार, तू तो जानता है वो मुझे प्यार करती है। हाँ। मैं भी जानता हूं मुझे ही प्यार करती है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता था, फिर वो मुझे क्यों नहीं मिली यार? Yes, बेटा श्रुति, are you happy? Yes, I'm happy. Good. पापा। क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? अरे बेटे, ये भी कोई पूछने की बात है? हक है तुम्हारा, मांगो, क्या है बात? अनु भैया। Sorry to interrupt you guys. अरे आओ आओ बेटे आओ। क्या इमोशनल सीन चल रहा है बाप बेटी के बीच? अब देखो ना, कुछ ही दिनों में तुम तो शादी करके हमारी बेटी को उड़ा ले जाओगे यूएस, और हम यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, तो सोचा बेटी से अकेले में थोड़ी बातें कर ले। अरे अंकल, अब यूएस और इंडिया में कुछ घंटों का ही तो फासला है, हमें जब भी आपकी याद आएगी
उड़ के आपके पास आ जाएंगे. प्रॉमिस प्रॉमिस. एक्सक्यूज मी, आप दोनों बातें करो, मैं फोन अटेंड करके आता हूँ. यप. योर डैड इज वेरी स्वीट. हाँ, हु इज अनुश्रुति? अनु मेरे बड़े भैया है, वो कनाडा में रहते हैं, उनकी आंटी के पास. उनकी आंटी? एक्चुअली मेरे पापा की दो शादियां हुई हैं और अनु भैया उनके पहली वाइफ के बेटे हैं. उनके मरने के बाद ही डैड ने मेरी मम्मी से शादी की. सच बताऊं तो अनु भैया मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है. और तुम चाहती हो कि वो हमारी शादी में आए, राइट? यस, यू आर राइट. Just a few more days, huh? उसके बाद दुल्हन बनके सीधा US. I know. Hey. You're happy, right? I am very happy, bhaiya. But I'm more happy to see you. Really, I'm so glad you could make it. Thank you. So, कहाँ है तुम्हारा hero? When am I seeing him? Hey, you need my approval, huh? Of course. पापा से कह के कभी भी मिल लीजिएगा. मैं उनसे खुल के बात नहीं कर सकती ना. क्यों भैया, ये इंडिया है, कनाडा नहीं. सीरियसली? सीरियसली. आप अभी इसे रखिए और मेरे साथ चलिए. कहाँ? शॉपिंग देखने. मेरे क्लोथ्स, मेरी ज्वेलरी, सारी चीजें आपको नहीं दिखाऊंगी तो किसे दिखाऊंगी? चलिए चलिए. दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. ये देखिए, ये मेरी वेडिंग ड्रेस है. अच्छी है ना? बहुत अच्छी है. वैसे तुम ये सब अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं दिखाती? उन्हें तो दिखा दिया भैया, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. वैसे वो तुम्हारी एक फ्रेंड थी, वो छली सी, क्या नाम था उसका? रानी? मेरी छली सी फ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड? हे कम ऑन यार. उसकी शादी तय हो गई सतिंदर के साथ. भैया उसने आपका बहुत वेट किया. हाँ, पुअर रानी. सतिंदर? Who is this सतिंदर? कैसी है दादी? आ गया मुस्टंडा. अरे सर पर क्या खरबूजे जैसा रखा है? इंसानों वाली शक्ल नहीं बना सकता है क्या तू? अरे तेरी रानी को मैं ऐसे ही पसंद हूँ दादी. ये ले, मेहंदी लाया हूँ, असली वाली है. बालों में लगा ले, खूबसूरती बढ़ जाएगी तेरी. ए? दिखता तो तू बड़ा कमीना है लेकिन दिल से तो तू बड़ा साफ है बेटा. दादी. हाँ? रानी अंदर है? हाँ अंदर है. मैं मिल के आता हूँ. अच्छा, अब तुम दोनों शादी कब करोगे? अरे दादी वही तो पूछने जा रहा हूँ. तुम? आज मना मत करना, आज मना मत करना. पागल हो गए क्या तुम? हट, मेरा फोन बज रहा है. हेलो. हेलो चुड़ैल. अनु? अनु? यस मैम, योर अनु इज हियर. अनु तुम? ओह माय गॉड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. वेयर आर यू अनु? वहीं जहाँ बचपन में मिलते थे. क्या तुम वापस आ गए? Oh my God, I can't believe this. You just stay there. I'm coming right away. Okay, I'm coming. Oh my God. कहाँ जा रही हो तुम? अनु से मिलने. वो बहुत सालों बाद वापस आया है. तुम इस तरह नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो. और वो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अनु का और मेरा क्या रिश्ता है ये मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहती, समझे तुम? अब रास्ता छोड़ो मेरा. लिसन रानी, अगर तुम इस तरह गई तो हमारा ये रिलेशन सतेंद्र
तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? और तुम ही रिश्ता तोड़ दोगे तो कौन मेरा हाथ थामेगा? कौन मुझसे शादी करेगा? Do you really think I'm gonna say this to you? और हाँ, रही इस रिश्ते की बात, तो ये लो, पहना देना किसी को, okay? Bye. क्या करिए? कंट्रोल कंट्रोल यार, कंट्रोल। You are engaged now, so control. मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। क्या? हाँ। कम? अभी अभी। Are you crazy? Yes, I'm crazy. I always loved you, Anu. पर अब इतने साल हो चुके थे कि, और फिर सबका यही कहना था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। दादी की खुशी के लिए मैं शादी के लिए मान भी गई, पर थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए। पर अगर तुम शादी के बाद आते ना, तो भी तुम्हारे साथ भाग जाती। You know what your best part is? You're crazy. You? ओ लटूर भगत, क्या सोच रहा है बे? अन्नू के बारे में सोच रहा हूं मैं। तुझे क्या लगता है कि वो यहाँ श्रुति की शादी के लिए आया है? तो 100 बीघा जमीन का मालिक है तू, लेकिन देखा जाए तो उस जमीन में और तेरी सारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसका भी है। भाई हो तेरा सौतेला ही सही, होशियार रहना उससे। वो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तू देख। लाइए ये हमें दे दीजिए, आप भी सब काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, थैंक यू सो मच। पता है आपके बारे में क्या कह रही थी? नहीं, बोलने देना। नहीं नहीं, अरे क्या नहीं, यही कि आप बड़े हैंडसम हो। थैंक यू। अरे अनु, बहुत काम पड़ा है, काम करो। जी माँ। और आप लोगों के बारे में कुछ बताओ। क्या कह रही थी आप लोग? यही कि आप कनाडा से हो, राइट? जी हाँ, आप लोग गए कभी? किसी को आना है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये कुछ और कह रही थी। हाँ। क्या कह रही थी आप? अरे बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे उन लड़कियों से। चलस कमे। क्या है, क्या देख रहे? इसके पापा बुला रहे। डैड, बुलाया आपने? व्हाट्स अप डैड? Come on, have it. Dad, I don't drink. Huh? I don't drink. Hey, come on. A father needs company. Mere liye. Cheers, Dad. बेटे, एक जिंदगी वो होती है जो गुजरती है, एक वो जिंदगी होती है जो कटती है, और एक
वो भी जिंदगी होती है जो न गुजरती है न कटती है, सिर्फ शिकार होती है। नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो इस इंटेंशन से आया होगा। पर मुझे लगता है माँ, एंड आई कांट शेयर दिस प्रॉपर्टी विद एनीबडी, और वो भी उसके साथ जो हमारा कोई नहीं है। पता नहीं क्यों माँ, जब भी मैं उस आदमी को देखता हूं तो आई फील इनसिक्योर। मैंने दूसरी शादी ही इसलिए की ताकि तुम्हें फिर से माँ का प्यार मिल सके, और तुम्हारी ये मम्मी और तुम कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड सिचुएशंस वर गेटिंग आउट ऑफ माय कंट्रोल, और फिर तुम चले गए अपनी मौसी के पास कनाडा। डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी 2 दिन में श्रुति की शादी हो जाएगी और वो यहां से चला जाएगा। कम ऑन बेटा, अब इतने भी सीरियस मत हो जाओ। रिलैक्स। लेकिन इन 15 सालों में बेटा, मैं बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए। एवरी मोमेंट आई हैव लिव्ड विद अ गिल्ट। डैड, इट्स ऑल इन द पास्ट। डैड, मैं इस बार आया हूं तो आई प्रॉमिस यू डैड, दिलों की सारी दुनिया मिटा कर ही जाऊंगा। सो डैड, चीयर अप, कम ऑन। एंड द ब्राइड इज रेडी। आई एम नर्वस। इट हैपेंस। डोंट वरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आप चले। अरे बड़ी प्यारी लग रही है। आ जा, मैं तेरी आरती उतारती हूँ। सचमुच बड़ी प्यारी लग रही है। डोंट वरी बेटा, आईवी ने हमें सब बता दिया है। पेरेंट्स आर पेरेंट्स आफ्टर ऑल। अब देखो ना, मैंने कभी आईवी को सपोर्ट नहीं किया, पर प्यार के सामने हमें भी झुकना ही पड़ा। डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स अग्री हो ही जाएंगे। दो प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। He's right. और इसीलिए हमने सब अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। कल कोर्ट में आप दोनों की शादी हो जाएगी। And then everything will be all right. Okay? अरे किसने कहा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? क्या? अरे क्या कर रही? अरे बेटी ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे किडनैप किया? पागल हो तुम सब के सब? और तुम सबको क्या लगा मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरती वरती। तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगी। यू क्रिमिनल्स। श्रुति, जस्ट लिसन। यू लिसन टू मी, आई विल नॉट स्पेयर यू एंड योर फैमिली। पागल हो तुम सब के सब? मैड हो तुम सब? तुम लोगों को तो मैं हवालात की हवा खिलवा कर ही छोड़ूंगी, देख लेना तुम।
भाभी जी, भाभी जी सुनिए ना, रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बोल दीजिए ना, पहले आप चलिए अंदर। सुनो, सुनो, भाभी जी सुनिए तो मेरी बात, चलिए अंदर, चलिए। बाय ना आप, सब गड़बड़ हो जाएगी भाभी जी। आप जी, नहीं, आप चलिए अंदर, जाइए। से बड़ी गलती हो गई है साहब जी, अनजाने में हम उसे उसके मर्जी खिलाफ उठा लाए हैं, हमसे किडनैपिंग हो गई है साहब जी, समझ रहे हैं ना? खोलो। अब ये लड़की यहां से चली गई तो हम सबको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और साहब जी इसको इस हालत में यहां रखेंगे भी तो कब तक? मैं जानता था कि तुम कोई काम सही नहीं कर सकते, पर मेरी भी हिम्मत मारी गई। यू हैव पुट अस इन अ वेरी स्केरी सिचुएशन। इस मुसीबत से भगवान ही हमें बचाए। I don't think we should waste a single minute. हमें सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। किसने सुधी को किडनैप किया है, क्यों किया है, कुछ भी नहीं जानते हम। रात शादी है उसकी। इसी बात का तो रोना है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। माँ, आप चिंता क्यों करते हो? श्रुति को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और वैसे भी छोटा सा शहर, किडनैपर्स उसे ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि वी शुड गो टू द पुलिस। अगर पुलिस तक गए तो बात फैल जाएगी और फिर हमें बदनामी से कोई नहीं बचा पाएगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जितनी देर तक हो सके हमें रात से भी इस बात को छुपा कर रखना चाहिए। इस बात को हम जितना लाइटली ले रहे हैं ये उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। श्रुति हैज बीन किडनैप्ड। एट दिस पॉइंट वी कांट थिंक ऑफ हर रेपुटेशन। वी हैव टू थिंक अबाउट हर। श्रुति को किडनैप हुआ, सुबह से शाम हो गई है। वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ भी नहीं जानते हम। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा पागल खाना है ये। अब कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? ओह गॉड, मेरी तो आज शादी थी। हे दुर्गा रक्षक, हे अम्मे मां रक्षक, हे दुर्गा रक्षक, आई मस्ट गो। मैंने सोच लिया है भाई जी। क्या? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप तो मरोगे ही, साथ में मुझे भी मरवाओगे बेवजह। शट अप, शट अप। ओके साले, उल्टे सीधे आइडिया तू देता है। ये आइडिया भी तेरा था ना? अब गले में हड्डी पड़ गई है तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। पापा ठीक कहते हैं, इडियट हूं मैं बिल्कुल। घर वालों के साथ इतनी परेशानी हो जाएगी, सोचा भी नहीं था। मेरी वजह से सब मुश्किल में है यार। भाई आप परेशान मत होया करो। वैसे एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तेरे दिमाग में गोबर भर पड़ा है तो ठीक है, चल बताना। वैसे कठिन है लेकिन आपको करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है हम सबको जेल जाने से बचाने का। देखिए, भूमिका मत बनाया यार, बता।
भाई, लड़की कमरे में अकेली है, अब सीधा अंदर घुस जाइए और अपने प्यार को हासिल कर लीजिए। चीजें जब सीधे हाथ से नहीं निकलती है ना भाई, तो हम क्या करते हैं? जबरदस्ती समझ लेना। एक बार लड़की अपना किसी को मान लेना तो अपनी पूरी जिंदगी वो उसी के नाम कर देती है, समझ रहे हैं? नहीं समझे? व्हाट यू मीन यार? भाई आप अंदर घुस जाइए और के? लगी तो नहीं? पहले मारते और बाद में पूछते, लगी तो नहीं? कर दूं? नपते किल्ली चक दे फटे। आपने किसी का चेहरा पहचाना? नहीं, उनका चेहरा ढका हुआ था। विवेक, आप जानते हैं इस लड़के को? विवेक अंकल, अंकल बतोश भैया रात से लड़ रहे हैं अंकल। क्या? What's happening? ये क्या बदतमीजी है बतोष? बदतमीजी मैं नहीं ये कर रहा है। कहता है श्रुति भाग गई किसी के साथ। छोड़ो 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 उसे। What's wrong? What's wrong with him? वैसे ही मुझे बहुत टेंशन है। यूएस में रिसेशन की वजह से सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। 15 दिन के लिए आया था, ओनली 3 डेज आर लेफ्ट। टेंशन का भी कोई भरोसा नहीं है। आई कांट लूज माई जॉब इन दिस वे। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। आई रियली डोंट नो। आई गेस आई गॉट टू गो बैक। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी।
डरता वही हूँ। तुम्हें तो पेशेंस रखना चाहिए था। तुम जानते हो वैसे ही हम लोग इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे, ऊपर से आज ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब ये सब? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ये बात यू डोंट मैन। बतोश बतोश बेटा आइए। बाबा आइए आइए। कहाँ है आपको? किथे गई किथे गई? बचा छो ओम भगवान। आत्मा क्यों बुलाया हमें? कोई आत्मा हमारे सामने टिक नहीं सकता है। अच्छी बात लगी। हाँ आत्मा हमारे सामने टिक नहीं सकता है। बहुत आदि आ गई। ओम भर वाह प्रेतात्मा तू बाहर आ जा। तुझे बाहर आना ही होगा। ये क्या कर रहे हो यार? स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट। ए छोड़ छोड़ ना। भाई जी क्या कर रहे हैं? छोड़ ना जग्गी, ये टॉर्चर कर रहे हो उसे। टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग हमारे काम में दखल अंदाजी। कौन है काम सलाह निश्चित चला रहे तुम लोग? निकले यहाँ से, निकलो जकी, निकाल ले। वो ताजी बेइज्जती होगी। चलो निकाल ना। अब ये दुष्ट आत्मा गाड़ी थाक में वो छाटी यार। छोड़ ले। और ये भी लेके जाओ। पापा आप भी नहीं। ये जग्गी ने दिया हुआ आइडिया। जस्ट लीव। हमारी बहन का कहीं पता नहीं और हम यहां। शिट। देख डोंट माइंड इट बट माइंड इट। तेरे घर में तेरी कुछ औकात ही नहीं रही बेटा। और वन्नू विदेश से यहां के हीरो बन रहा है सबकी नजरों में। तू कहां है? क्या मुझे लड़कियों के कपड़े खरीदने नहीं आते, पर जो समझ में आया वो ले आया। होप यू लाइक इट।
ऐसे भी कोई प्यार करता है? तुझे मांगा है सदा रब से, तू जुदा जुदा है जुदा सबसे। तुझे मांगा है सदा रब से, तू जुदा जुदा है जुदा सबसे। नाजुकी है तू नर्म रेशम, तारीफ क्या करूं। फूल जैसी तू ओस शबनम, तारीफ क्या करूं। तुझे मांगा है सदा रब से, तू जुदा जुदा है जुदा सबसे। तुझे मांगा है सदा रब से, तू जुदा जुदा है जुदा सबसे। के है घनेरी आंखें दिल नवा, दिल जानिया वे तू मुझ में है रवा। तू ही तो खिल खिल चांदनी में है, दिल कश रात में है। तू ही तो घुल घुल रोशनी में है, सतरंग मेरी कहकशा है ना। तुझे मांगा है सदा रब से, तू जुदा जुदा है जुदा सबसे। भाई जी, ओ भाई जी, आंखें खुली रख के सोए हो, वास्तव में तो कुछ करते नहीं, ख्वाबों में सब चलता है। चलिए सर पे खड़ा रहेगा तो चलिए ना। अन्नो, कहाँ है अन्नो? अन्नो, अन्नो कहाँ है? बातोश, ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक नहीं, घुटन, घुट रहा हूँ मैं, अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं। वो बहन है मेरी, मेरी बहन है। मुझे क्या तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोई पूछता है मुझे, कोई बताता है कि क्या हो रहा है, ये कौन है जो इतना अपनापन दिखाता है, हीरो बनने की कोशिश करता है ये, as if I'm useless? ऐसा नहीं है बेटा, देखो अंदर चलो। डोंट ये, ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? एक तो वैसे ही हम लोग इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऊपर से ये देखिए, मैं अपनी बेटी को तो खो चुकी हूं, अब वो वापस भी आ गई तो इज्जत वापस नहीं आने वाली। पर अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मुझे अनु से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जब तक ये यहाँ रहेगा मेरा बेटा घुट घुट कर मरता रहेगा। कन्नू यू आर गेटिंग मैड। नहीं दार, आई थिंक माँ अपनी जगह पे ठीक ही कह रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई प्रॉब्लम हो। आई थिंक आई लीव टुमारो। ड्राइवर गाड़ी रोको। कहाँ जा रहा है तू? हाँ कहाँ जा रहा है तू? यहाँ क्या कर रही है? मुझे सब पता है कल रात क्या हुआ था। आई नो दैट यू हैव लेफ्ट होम। लेने आई हूँ तुझे। मतलब? मतलब क्या? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता यू आर गोना स्टे विद मी, समझे? रानी दैट्स नॉट पॉसिबल। कम ऑन, लोग क्या कहेंगे? लिसन, आई स्टे इन अ होटल, इट्स ओके। होटल में मैं मर गई हूँ क्या? एंड आई डोंट केयर अबाउट लोग क्या सोचेंगे। डू यू केयर? देख मैंने दादी को सब बता दिया, शी वुड बी वेटिंग फॉर यू। कम ऑन अनु प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुनो। तू बाजू हट, बहुत हो गया तेरा। सीरियसली बाजू हट। सब्जी, सब्जी, भाई जी, सब्जी, भाई जी, सब्जी, 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 क्या कर रहे हैं हम? मेरी पूजा बंद कर दी। उधर से जाओ। निकल। सब्जी, सब्जी, उठे। हाँ। चलिए। अब क्या हुआ? आखिरी पुलिस को पता चली गया कि छुरी को हमने यहाँ छुपा के रखा है। Oh my God. लेकिन तुम्हें किसने बताया? मेरा एक दोस्त है कांस्टेबल उसी पुलिस थाने में, उसने बताया। उसने ये भी बताया कि छुरी का एक सौतेला भाई है अन्नु, उसने पुलिस के नाक में दम कर रखा है छुरी को छुड़ाने के लिए। अरे बाप रे। अब चलिए। Disgusting. Oh my God, this is quite disgusting. गले में हड्डी बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूं। मुझे लगता है साहब जी कि हमें छुरी को यहाँ से तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा, पुलिस किसी भी वक्त पहुंचती होगी। अब चलिए, चलिए। चलो। You're right. चलो, चलो, चलिए, चलिए, चलो, चलो। छोरी को बाजू, बाजू उठिए, बाजू उठिए, भाई जी
छोड़ो। भाई उठिए, चोरी भाग रही है भाई। रामेश्वर, रामेश्वर। मैडम जी, इधर। इधर। क्या है ये सब? ये वो क्या है ना? हम लोग सब सो गए थे। यंश के पास यूजुअली सोने की आदत है ना? तो हम लोग सब सो गए थे। इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ की दोपहर में सोने की आदत है। जी, हम सब सबकी सोने की आदत है। मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। चाय कोई है? जगी, जगी उठ, उठ। क्या है? देख, चाय, चाय। चाय आ गए? एक मिनट। मिस्टर रामेश्वर, विवेक आपका बेटा है? आप ही का है। What? आपका है? कहाँ है वो, बुलाइए उसको। कहाँ? कहाँ? आप पुलिस स्टेशन चलिए, ले चलो इन्हें थाने। चलिए। हाँ? चलिए। अरे चलो, एक मिनट चाय बना कर लाता हूँ। चाय बाजी। चलो 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 भाई। रामेश्वर साहब, आप शहर के रेस्पेक्टेबल नागरिक हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ अभी तक कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। आप भी शराफत से मुझे उन दोनों का पता बता दीजिए, वरना मुझे भी आपके साथ वही करना पड़ेगा जो उसके साथ हो रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि मेरा बेटा निर्दोष है। अब आप मुझे इस तरह से डराने की कोशिश मत कीजिए, वरना क्या है? अगर सिर्फ एक रात इस रिमांड रूम में बितानी पड़े ना, तो सारी अकड़ निकल जाए तुम पैसे वालों की। सब कुछ सही सही बताओ, वरना इतना मारूंगा कि घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे, समझे? Thank you.
लो रामेश्वर, खाना खाओ। रामेश्वर, रामेश्वर, अरे रामेश्वर, काम डाउन रामेश्वर, रामेश्वर डोंट क्राई बेटा, हिम्मत रखो बेटा, नहीं हिम्मत रखो। क्या सोच रहे हो अनु? मैं सोच रहा हूं पता नहीं सब कब खत्म होगा। सच बताऊं तो मुझे उस लड़के के डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं पुलिस का शक उन लोगों पे ठीक है भी कि नहीं। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, नहीं? अनु, पुलिस वालों को अपना काम करने दो। आई होप कि अब सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और मैं तुम्हारे इस बूझे हुए चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देख सकूं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ उधार मांगूंगी तो दोगे? क्या? एक स्माइल।
जग्गी कहाँ हो भाई? मेले में हूँ। मेले में क्या कर रहा है? कल रात से तुझे ढूंढ रहा हूँ यार। बस आप ही का काम आसान करने आया हूँ भाई जी। आज तो मैं आपके रास्ते का कांटा हटा ही दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि छोरी का एक भाई है जो विदेश से आया है। तू करने क्या वाला है? बताया ना भाई जी, बस आज तो आपके रास्ते का कांटा। शट अप यार, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। बैटरी शिट। हेलो। आ गए तुम। कौन हो तुम? तुम सवाल बहुत करते हो, सीधे चलो। I'm sorry, श्रुति, I'm sorry. आज मेरी वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, और तुम्हें माफ करना भी नहीं चाहिए। पता है श्रुति, लोग मुझे आईवी कहते हैं, पर हर एक के लिए इसका अलग मतलब है। पापा कहते हैं इडियट विवेक, क्योंकि उनके लिए मैं इडियट हूं। मम्मी के लिए इनक्रेडिबल, पर ऐसा है नहीं, मैं इंपेशेंट हूं, बेसब्रा, सारे सपने खुद बुनता हूं और सोचता हूं कि वो सही है,
प्यार मैंने तुमसे किया और अपने सारे सपनों को तुम पे थोप दिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। बट मैं तुम्हें कोई कष्ट देना नहीं चाहता था। हाँ, हालात ही ऐसे हो गए और मैं भी करता चला गया। पर अब मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगा। उसके बाद चाहे तुम मुझे जेल भेजो, जो सजा देना है मुझे सब मंजूर है। मेरी वजह से आज बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। क्या हुआ? मेरी वजह से जग्गी ने तुम्हारे अन्नू भैया पे गोली चला दी। अगर मेरे अन्नू भैया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। How could you? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। प्लीज कम। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। इश्क ने तुम्हें है क्या दिया, मुझको कुछ कहना नहीं। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। इश्क ने सबको धोखा दिया है, इश्क बड़ा बेरहम। इश्क ने सबको धोखा दिया है, इश्क बड़ा बेरहम। पहले तड़पाता है फिर ये तरसाता है, आंखें रह जाती हैं नम। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। इश्क ने तुम्हें है क्या दिया, मुझको कुछ कहना नहीं। इश्क मुसीबत इश्क बाला है, इश्क में सभी लोग फना है, इश्क से बुरी कोई भी चीज नहीं। I'm sorry अनु भैया, हम लोग आपको कभी समझ नहीं पाए। हाँ बेटा, we are extremely sorry, हम लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए,
लेकिन तुमने जो श्रुति के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। मां होकर भी एक बेटे के प्यार को पहचान नहीं पाई, लेकिन आज तुमसे माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। माफ करोगे ना बेटा? कैसी बात कर रही हो मां? मां भी कभी अपने बेटे से माफी मांगती है क्या? अनु, बेटे यहां से तुम सीधे अपने घर चलोगे। और हाँ, अब रानी के घर हम बारात लेकर आएंगे। बेबे, ये कैसी लगेगी? हाय हाय, क्या लग रही है बेबे, मुगले आजम की अनारकली? सतिंदर, सतिंदर, ये सब ले बेबे, आ गई तेरी रानी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू नाराज है मुझसे? देख, तू मुझसे इस तरह नाराज नहीं हो सकती, मुझे छोड़ नहीं सकती, हमारी मंगनी हुई है। मंगनी? कौन सी मंगनी? वो मंगनी मैं कब की तोड़ चुकी हूँ। अरे मजाक है कोई? हाँ देख, तू मुझे कुछ भी कह सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। है तो तू मेरी ना? Shut up! रानी, 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 रानी सुन तो। रानी, अब हम इतने बेगाने हो गए कि बात तक करना भी गवारा नहीं। ऐसा मत कर मेरे साथ, वो कल विदेश चला जाएगा, तब तुझे मेरी याद आएगी। छोड़ मुझे! रानी मत तड़पा मुझे। सतिंदर छोड़! साली, मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत कर, तेरी वजह से मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। उस बार तो बच गया, लेकिन इस बार गोली सीधा उसके सर पे लगेगी। क्यों मरवाना चाहती है उसे? क्या कहा तूने? छोड़ मुझे! अन्नु पे गोली तूने चलाई? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, प्यार करता हूँ तुझसे। तेरी माँ की! मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी खुकार हो। शट अप अनु। एक मिनट। क्या हुआ? इसका मतलब है अनु को गोली सतिंदर ने मारी थी, विवेक का तो कोई कसूर ही नहीं है। ओ माय गॉड, मुझे इसे मिलना है। अरे श्रुति, हाँ, कहाँ जा रही हो? आईवी से मिलने। आईवी? आईवी? विवेक, लोग इसे इडियट इंपेशेंट कहते हैं, पर सच तो ये है, ही इज वेरी वेरी इनोसेंट। आर यू मैड श्रुति? यस आई एम मैड, बट प्लीज माँ मुझे मत रोकी, मैंने ऑलरेडी उसे बहुत गलत समझा। जाने दो, ये पागलपन जिंदगी में कभी कभी बड़ा काम आता है। ओफो, आप भी? हाँ मैं भी। So beautiful, girls and handsome guys, today's your day. Yes, God is your soulmate. आज जो दिल में है जाकर उसे बोल दो, आज ही तुम्हारे पास मौका है। Just take a let go. और जाने मन, मैं जिस शख्स से अपनी जिंदगी जोड़ने जा रही थी उसके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी जॉब थी, और जिसके प्यार को मैंने कभी पहचाना नहीं उसने अपनी जिंदगी की हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार किया। मुझे और सोचना नहीं चाहिए। Go for it! Yes, you can do it, boss! Thank you.
विवेक, विल यू बी माय वैलेंटाइन? सपना नहीं, हकीकत है। अगर ये सपना भी है तो कितना प्यारा है। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आओ विवेक, इट्स रियल। साथ रहूंगी। पहले क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा पहले? स्टूपिड, ऐसे भी कोई प्यार करता है? मुझे तो ऐसे याद है, क्या करूं, मुझे तो ऐसे याद है। Shall we? Shruti, just a minute. हाँ। अभी baby steps क्यों? यार बहुत मारा है कमबख्तों ने, इसलिए confidence lose. Now I'll build up. हाँ क्यों? एक और kidnapping करनी है। तो मुझे किडनैप करके ले तो जा रही हो? छोटे सर, कुछ ले लेकर फादर पकड़ दो। ले चलो इसे अंदर। लेकर फादर पकड़ दो। ऐसा मत करो सर जी, कितने साल की लगेगी सर? बेटा कम से कम 5-7 साल की तो तुझे लगी जाएगी। सर ऐसा मत करो, मेरे मिनिस्टर तक जान पहचान है। अरे चलो इसे अंदर। सर मैं पैसा खिला दूंगा। सर मेरी बात सुनो सर, प्लीज प्लीज पैसा खिला दूंगा। About a boy and this is how it goes. Impatient with babe, uh-huh. What you say now? What you say now? अरे नहीं यार, मैं जा रही, मैं जा रही, मैंने खुद हाथ दे दिया। ये बंदा मस्त कलंदर जैसे गांधी जी का बंदर, ये बंदा मस्त कलंदर जैसे गांधी जी का बंदर। कुड़ी सेक्सी पट्टे सोनी है, कोई उस जैसी नहीं होनी है, रब ने बना दी जोड़ी है। मस्त कलंदर। सॉरी, यू गॉट अ ब्रेक माय नेक। अरे यार इसको किक मारा है, फिर इसको कुछ होता नहीं, ऐसा कैसा है? फिरार हुआ अरमान सुलगते मचलते प्यार से, चल प्यार की राह चलते। मोहब्बत करते हैं, जलने दे जो लोग ये जलते हैं। Let's have some fun, let's rock the world. माहौल पे मस्ती छाई है, छाई है, छाई है। मैं यार खुश रहना चाहता हूँ बस, that's it. मेरे पास sorry. अरे यार क्यों चिल्ला रहे लोग? दिल वाला तो दुनिया सलाम करे, चल इश्क में अपना नाम करे, चल इश्क का चरखा ऑन करे, चल खुद को हम बदनाम करे। कम क्लोज टू मी माई डेस्टिनी, तुझ में ही तो दुनिया पाई है, पाई है, पाई है। मस्त
कलंदर जैसे गांधी जी का बंदर कुड़ी सेक्सी पट्टे सोनी है कोई उस जैसी नहीं हो